हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल स्फेरिकल रोलर बेयरिंग और उसके ब्लॉक के बारे में। इस वीडियो में हम ब्लॉक और बेयरिंग के हर एक छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो कहाँ पर लगते हैं और कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेयरिंग्स हैं ये टेपर बोर होते हैं, यानी कि ऐसे बेयरिंग जिनमें टेपर स्लीव लगता है वो कहलाता है टेपर बोर बेयरिंग, और इस पे लगता है लास्ट पे के या फिर ई के लिखा हुआ रहता है। जैसे कि आपकी बेयरिंग का नंबर है 22215 EK, ई देन के, ये अगर के आपको दिखता है तो वो टेपर बोर बेयरिंग है, ये आपको समझ जाना है। तो ये उस टाइप के बेयरिंग्स का डिटेल है। चलिए, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक का अपर पोर्शन है, इसमें SN करके लिखा रहता है, SN 515 या 514 ये सब लिखा हुआ रहता है। हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि कितने का ब्लॉक है तो उसमें कितने का बेयरिंग लगेगा। तो चलिए, अब ये था हमारा ब्लॉक। अब ब्लॉक हम देख लिए हैं। अब ये LER सील रिंग है, ये शाफ्ट के दोनों कॉर्नर पर और ब्लॉक के किनारों पर यूज़ होता है। इसका मेन काम होता है जो ल्यूब्रिकेंट है उसको इस ब्लॉक से बाहर निकलने नहीं देता है। ये जो LER सील रिंग है ये दोनों साइड लगता है, ये शाफ्ट में यहाँ पर लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रूव बना हुआ है, इस ग्रूव में ये लगता है। एक इस साइड लगता है और एक इसके जस्ट अपोजिट साइड में लगता है। LER रिंग हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा स्लीव है, इसे ही एडॉप्टर स्लीव कहते हैं। ये स्लीव जो है ये हमारा एक साइड से कटा हुआ रहता है और ये शाफ्ट में आसानी से फिट हो जाता है। शाफ्ट में फिट होने के बाद हम डालते हैं उस शाफ्ट में बेयरिंग। बेयरिंग को डालने के बाद हम ये स्टील स्टेबलाइजिंग रिंग डालते हैं। ये रिंग जो है यहाँ पर, जैसे बेयरिंग जब बैठता है तो उसके बाद में साइड में इसको लगाया जाता है, ये बेयरिंग को स्टेबलाइज करता है और उसको फिक्स जगह पर रखता है ताकि बेयरिंग जो है आगे पीछे ना हो वहाँ पर से। उसके बाद में बेयरिंग डालने के बाद में ये है उसका लॉक वॉशर है। लॉक वॉशर के बाद में ये लॉक नट। लॉक नट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आपका एडॉप्टर का स्लीव है जो स्लीव में इसके लिए थ्रेड्स बने हुए हैं और ये एक तरह का नट है जो इस पे टाइट होता है। ये जैसे जैसे टाइट होते जाता है ये बेयरिंग को पुश करता है शाफ्ट में अंदर की तरफ, और क्योंकि इस बेयरिंग का आईडी जो है वो टेपर होता है और ये जो आपका स्लीव है वो भी टेपर होता है कुछ इस तरह से, तो ये उस पे टाइट होता जाता है ऐसे। ये ऐसा टेपर होता है तो इस पे ये बेयरिंग जो है वो आकर के टाइट होता जाता है, इस चेक नट को टाइट किया जाता है। स्लीव का एक व्यू आपको और दिखा देते हैं हम यहाँ पर। इस पे ये देखिए, ऐसे इसमें इस साइड में बेयरिंग रहता है, यहाँ पर बेयरिंग है और इस चेक नट को टाइट करते जाते हैं यहाँ पर से हैमर और सीजल से, या फिर और इसको घुमाते जाएंगे बेयरिंग जो है वो आगे चला जाता है, और फिर एक फिक्स पोजीशन में जाने के बाद ये जो लॉक वॉशर है, इस लॉक वॉशर को यहाँ इसकी ग्रूव्स में 1 2 3 4 ये जो ग्रूव्स है इसमें ऐसे ठोक करके लॉक कर दिया जाता है, ऐसे पलटा दिया जाता है इसको, तो यहाँ पर से हमारा जो स्लीव है वो लॉक हो जाता है। अब लॉक होने के बाद में यहाँ पर अच्छे से ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड किया जाता है, ल्यूब्रिकेशन किया जाता है। ल्यूब्रिकेशन करने के बाद में ये ब्लॉक को ऊपर से बंद कर दिया जाता है और ये चारों बोल्ट्स को लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर बेसिक जान गए कि कौन कौन सा पार्ट क्या है और इसे क्या क्या कहा जाता है। मोस्टली इस रिंग को स्पेसर रिंग भी कहा जाता है, स्टील स्टेबलाइजिंग रिंग है ये, और इसे ही स्पेसर रिंग भी कहा जाता है। और ये जो है ये लॉक वॉशर है। मोस्टली हमको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता है कि हम उसे आखिर क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, तो ये हमको मालूम रहना चाहिए।
तो ये वीडियो उसके ऊपर था। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल बनाएंगे कि अगर आपका ब्लॉग जो है वो SN515 का है तो कितने का बेयरिंग होगा और उसका शाफ्ट कितने का होगा, या फिर अगर आपका शाफ्ट जो है वो 50 mm का है तो आप कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने का बेयरिंग लगेगा, 60 mm का है तो कितने का बेयरिंग लगेगा, कितने का स्लीव लगेगा, 70 mm का रहेगा तो कितने का बेयरिंग लगेगा, स्लीव लगेगा, ये सब बताएंगे उसमें। तो बने रहिए दोस्तों, और अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।